हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। अभी 24 नवंबर को हमारी यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट आयोजित किया गया और इस टेस्ट में करंट अफेयर्स के टोटल 31 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं और आप लोग यहां पर 31 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की एक क्विज सॉल्व करने जा रहे हैं मेरे साथ ही साथ। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मेरे साथ ही साथ देते चलना है और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही करते हैं इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। ओके, टोटल 31 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सारे के सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो पहला प्रश्न है, जायर अल बहार सागर की दहार भारत और किस दूसरे देश के बीच आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास है। ओके, एक्चुअली इसको जायर अल बहार रोर ऑफ द सी कहा जाता है। तो रोर ऑफ द सी जायर अल बहार इज अ नोवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अनदर कंट्री। तो ये किसके बीच आयोजित होता है, इसका आंसर आई होप आपने मार्क कर लिया होगा जिसको भी आता है। ओके, तो इसको मैं बताने जा रहा हूं, इसका आंसर है सी पार्ट, कतर। ठीक है, तो जायर अल बहार ये भारत और कतर के बीच आयोजित होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारत के वर्ष 2020 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे। ठीक है, हु विल बी द चीफ गेस्ट एट इंडिया 2020 रिपब्लिक डे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको निश्चित रूप से पता होगा, जो लोग भी मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज को फॉलो करते हैं तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। इसका आंसर क्या है, मार्क कर लिया आपने। ओके, तो आंसर है डी पार्ट, जायर बोलसोनारो, ये ब्राजील के प्रधानमंत्री हैं। तो ये आएंगे 26 जनवरी 2020 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बनकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस राज्य से थे। मैथमेटिशियन वशिष्ठ नारायण सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली हेल्ड फ्रॉम विच स्टेट। तो ये किस राज्य से थे आपको निश्चित रूप से पता होगा, बिहार से इनका ताल्लुक था, आंसर इज सी पार्ट। और ये जो है आइंस्टीन के जो सिद्धांत थे उनको इन्होंने चुनौती दे दी थी जिसकी वजह से इनकी बहुत प्रसिद्धि हो गई थी पूरे विश्व में। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, टाइम 100 नेक्स्ट में किस भारतीय स्प्रिंट को सूचीबद्ध किया गया है। विच इंडियन स्प्रिंटर हैज बीन लिस्टेड इन द टाइम 100 नेक्स्ट। ओके, टाइम मैगजीन की 100 नेक्स्ट सूची में एक धावक, भारतीय धावक है, इनको सूचीबद्ध किया गया है। इनका आंसर क्या है, मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ओके, तो कर लिया होगा आपने, इसका आंसर है डी पार्ट, दुती चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य राज्य है, SEO। ठीक है, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ मेंबर ऑफ SEO। ठीक है, 8 देश इसके मेंबर हैं SEO के। तो SEO का मेंबर इसमें से कौन है, इजिप्ट नहीं है, इराक नहीं है, मेक्सिको नहीं है, राइट आंसर इज उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो 8 मेंबर कौन है आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, SEO का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो SEO का हेडक्वार्टर शंघाई में ना होकर बीजिंग में है। तो ये आप इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। विच कंट्री विल होस्ट द 11th ब्रिक्स समिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर है, मार्क कर लिया। ओके, तो 6 का आंसर सी पार्ट, ब्राजील इसकी मेजबानी करेगा ब्रिक्स की। ओके, ब्रिक्स के मेंबर कौन कौन है आपको पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पिछले साल जो 10वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था, आपको पता होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 7वां प्रश्न, हाल ही में कोमालिका बारी ने एक विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली कोमालिका बारी हैज वन अ गोल्ड मेडल इन
वर्ल्ड चैंपियनशिप शी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो इनका संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है, मार्क कर लिया आपने, तीरंदाजी। ओके, तीरंदाजी से इनका संबंध है। आठवां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान में किया था? Which of the following hydro electric project was inaugurated by Prime Minister Modi in Bhutan? ठीक है, तो ये भी important है, काफी news में रहा था ये event। तो इसका answer सही है क्या है? A part, Mangdechu जल विद्युत परियोजना। Mangdechu भी लिखते हैं इसके बाद। Okay, so अब नवा प्रश्न देखेंगे, ninth प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? Which of the following state has announced the establishment of Lemuru Elephant Reserve? ठीक है, तो Lemuru Elephant Reserve very important question, और ये कौन सा state इसको स्थापित करेगा? मार्क कर लिया, answer is C part, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाएगा। दसवां प्रश्न देखेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष सद्भावना दिवस किस दिन मनाया जाता है? Once again, very important question. On which day Sadbhavana Day is celebrated every year to commemorate the birth anniversary of former Prime Minister Rajiv Gandhi? ठीक है, तो राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस तारीख को? महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका आंसर है डी पार्ट, 20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्मदिन होता है और उसे हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। ग्यारहवां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वीरता पुरस्कार विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को दिया गया? Which of the following war bravery award was given to विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान? तो ये कौन सा पुरस्कार दिया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब दिया गया था तब सबको पता था, पर अब भूलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आंसर इज सी पार्ट, वीर चक्र इज द राइट आंसर। बारहवां प्रश्न देखेंगे अपन लोग, निम्न में से किस मंत्रालय ने रोजगार समाचार का ई संस्करण लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड एन ई एडिशन ऑफ रोजगार समाचार? ओके, तो इसका आंसर मार्क करिए। ओके, जिसको पता नहीं होगा वो श्रम मंत्रालय को मार्क करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका आंसर है डी पार्ट, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, तो बारहवें का आंसर है सही वाला क्या है? डी पार्ट। तेरहवां प्रश्न देखेंगे, 13th क्वेश्चन, विश्व जैव ईंधन दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? विच व्हेन इज द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड? कब मनाते हैं हम लोग, बताइए इसका आंसर, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तेरहवां प्रश्न डी पार्ट इज द राइट आंसर, 10 अगस्त को मनाते हैं, याद रखिएगा। 14th क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 14वां प्रश्न, भारत में विश्व का पहला अल्ट्रा फास्ट हाइपर लूप प्रोजेक्ट कहां बनाया गया है? ओके, बनाया गया क्या है, बनाया जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है? आपको पता होगा निश्चित रूप से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉपुलर भी कर रहा है, तो महाराष्ट्र में ये बन रहा है। आप मुझे बताइए कि ये कहां से कहां तक बनाया जाएगा। ओके, राइट आंसर इज बी पार्ट, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस भारतीय गायक को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ओके, तीन लोगों को भारत रत्न के पुरस्कार दिए गए हैं, तीनों के बारे में मैंने डिटेल में बताया है, आप उन तीनों के नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको ये आंसर करना है। ओके, देखता हूं कितने लोग इसका आंसर करते हैं मुझे। तो इन तीन लोगों में से एक हैं जो संगीतकार हैं। ओके, तो वो कौन है? आपने निश्चित रूप से मार्क कर लिया होगा, आप मेरे वीडियोस को अगर देखते हैं तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा, और इसका आंसर है बी पार्ट, भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत, और ये जो है भारतीय संगीतकार है। 16th क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग, नीति आयोग के द्वारा जारी स्वास्थ्य रैंकिंग में भारत के किस राज्य को अंतिम स्थान मिला है? Once again, very important question.
Which state of India has got the last place in the health ranking released by Niti Aayog? ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। नीति आयोग की स्वास्थ्य के मामले में जो रैंकिंग आई है उसमें अंतिम स्थान किसे मिला है, मार्क कर लिया होगा आपने, तो ये मिला है बिहार को। बिहार में सबसे बुरी कंडीशन है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पहला स्थान किसका है ये मैंने बताया है आपको। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि स्वास्थ्य रैंकिंग की जो सूची आई थी उसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, टॉप किस स्टेट ने किया है, निश्चित रूप से आपको पता होगा। नाउ वील मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। केरल राज्य का आधिकारिक फल कौन सा है, विच ऑफ द ऑफिशियल फ्रूट ऑफ द स्टेट ऑफ केरला। ओके, तो यार ये तो पता होगा, ये बताया मैंने क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है बी पार्ट, कटहल। ठीक है, कटहल जो है केरल का आधिकारिक फल घोषित किया गया अभी हाल ही में। 18वां प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। निपा वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में पाया गया, इन विच इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट केस ऑफ निपा वायरस फाउंड। वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर है डी पार्ट, केरल। ठीक है, दो तीन जो क्वेश्चन आए हैं लगातार केरल का जिक्र हो रहा है। देन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अमेरिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस देश ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज ऑफिशियली अनसब्सक्राइब फ्रॉम यूनेस्को अदर देन द यूएसए। यूएसए यूनेस्को की सदस्यता को छोड़ चुका है, तो अब यह किसने छोड़ दी है ये सदस्यता, तो ये छोड़ दी है इसराइल ने। डी पार्ट इज द राइट आंसर। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो अभी यूनेस्को की बैठक हुई थी वो कहां पर आयोजित की गई थी, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20वां प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने ये बताया हुआ है पिछले वाले ही वीडियो में, इंडेक्स वाले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देश का नाम क्या है। ठीक है, पासपोर्ट की ताकत के हिसाब से नंबर वन पर कौन सा देश आता है, तो इसका आंसर आपने मार्क कर लिया होगा, इसका आंसर है डी पार्ट, जापान। जापान जो है सबसे, जापान का पासपोर्ट सबसे ज्यादा ताकतवर है। आप मुझे बताइए इस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। ओके, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। कल के वीडियो में ही मैंने आपको डिटेल में सारे इंडेक्सेस के बारे में बताया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अपने आप दो क्वेश्चंस मिस कर रहे हैं। आप इस वीडियो को खत्म करने के बाद में इंडेक्स वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देन विल सी क्वेश्चन नंबर 21। 21वां प्रश्न देखेंगे, मैसेडोनिया द्वारा हाल ही में देश का नाम बदलकर क्या नया नाम रख दिया गया है, व्हाट हैज बीन द नेम ऑफ द कंट्री रिसेंटली रीनेम्ड बाय मैसेडोनिया। ठीक है, तो मैसेडोनिया का नया नाम क्या है, बताइए इसका आंसर। अच्छे क्वेश्चन हैं सारे के सारे, इसका आंसर है डी पार्ट, उत्तरी मैसेडोनिया। डी पार्ट इज द राइट आंसर। देन वील सी क्वेश्चन नंबर 22। 22वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 में महिला एकल वर्ग में निम्नलिखित में से किसने खिताब जीता है। ये चारों ग्रैंड स्लैम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर वीडियो में लगभग बताता ही हूं, ये चारों जो ग्रैंड स्लैम है इनके पुरुष विजेता और महिला विजेताओं के नाम आपको पता होने ही चाहिए। ओके, सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019। ओके, तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या है। 22 का आंसर है ए पार्ट, मार्क कर लिया होगा आपने, नाओमी ओसाका, जापान की खिलाड़ी है ये। क्वेश्चन नंबर 23, 23वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान से वन नेशन वन कार्ड योजना का शुभारंभ किया है, फ्रॉम विच प्लेस डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द वन नेशन वन कार्ड स्कीम। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कहां से किया है, मार्क कर लिया, इसका आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद से प्रधानमंत्री मोदी ने वन नेशन वन कार्ड योजना का शुभारंभ किया है। 24वां प्रश्न देखेंगे अपन लोग, G20 शिखर सम्मेलन 2019 में हो रहा है, मतलब कहां पर हो रहा है, तो G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है, बताइए इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 24वां का आंसर है डी पार्ट, ओसाका, जापान में इसका आयोजन हो रहा है। ओके, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि भारत में भी G20
शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, पर वो किस साल में आयोजित किया जाएगा आपको कमेंट में लिखकर बताना है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है G20 से रिलेटेड न्यूज में कि कहां पर हुआ इस साल और इंडिया में कब होगा, ये मुझे आप बताइए कमेंट में लिख के। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे मैंने आपसे, पर आपको सबके आंसर करने, क्योंकि इन सबके आंसर मैंने अपने वीडियोस में आपको बताए हैं, तो आपको इनके आंसर करने पड़ेंगे। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। 25वां प्रश्न है, अमेरिकी विदेश मंत्री का नाम बताइए जो हाल ही में अपनी भारत यात्रा पर थे। नेम द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु वाज रिसेंटली ऑन हिज विजिट टू इंडिया। ओके, बताइए कौन है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। पता होगा इसका आंसर आपको, माइक पोम्पियो। 25वें का आंसर है बी पार्ट, माइक पोम्पियो, जो भी इंडिया की विजिट पर थे। अगेन वील सी क्वेश्चन नंबर 26। गरुण 6 भारतीय वायुसेना का एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास किस देश के साथ होता है। गरुण 6 इज अ बायलैटरल एयर एक्सरसाइज ऑफ इंडियन एयरफोर्स विद विच कंट्री। ओके, तो इसका आंसर भी आपको डेफिनेटली पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसका आंसर है ए पार्ट, गरुण। ठीक है, गरुण कौन सी एक्सरसाइज होती है, वायुसेना की। ठीक है, गरुण पक्षी होता है ना, उड़ता है, तो इसलिए ये वायुसेना अभ्यास है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, और ये फ्रांस के साथ भारत कंडक्ट करता है। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में किस महाद्वीप के कई देशों ने मिलकर एकल करेंसी इको अपनाने का फैसला किया है। रिसेंटली सेवरल कंट्रीज इन विच कॉन्टिनेंट हैव डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ सिंगल करेंसी, इट्स नॉट एजेंसी, इट्स अ करेंसी इको। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या है, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इट्स आंसर डी पार्ट, अफ्रीका। ओके, तो अफ्रीका के कई देश हैं जो जिन्होंने मिलकर एक फैसला लिया है कि वो वहां पर एक इको नाम की करेंसी का यूज करेंगे। जैसे यूरोपियन यूनियन में यूरो यूज करते हैं, ऐसे ही लोग इको यूज करेंगे अपने जो इकोनॉमिक कॉपरेशंस को बढ़ाने के लिए, आर्थिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए ऐसा फैसला लिया गया है। देन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। 28वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन राज्य का पुरस्कार दिया गया है। विच स्टेट हैज रिसेंटली बीन गिवन द अवार्ड फॉर द टर्म फिल्म फ्रेंडली स्टेट। ओके, तो भैया ऐसा कौन सा राज्य है जो फिल्मों के लिए बहुत अनुकूल रहा है 2019 में, तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है सी पार्ट, उत्तराखंड। उत्तराखंड को यह पुरस्कार दिया गया है सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 29। 29वां प्रश्न देखेंगे, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 43वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। ये प्रश्न मैंने आपसे अभी पूछा था, वही प्रश्न है ये। रिसेंटली वेयर वॉज 43rd मीटिंग ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑर्गेनाइज्ड, कहां पर ऑर्गेनाइज करी गई ये वाली कमेटी, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, अजरबैजान। मैंने इसका ये वाला क्वेश्चन पीछे बताया आपको। ओके, तो अजरबैजान में ये बैठक आयोजित करी गई थी। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 30। 30वां प्रश्न है, और ये है मिस इंडिया इंग्लैंड 2019 का खिताब किसने जीता। ओके, तो मिस इंडिया इंग्लैंड 2019 का खिताब जीता है भाषा मुखर्जी ने, आपको पता होगा। और आप इसी समय मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि 2019 का मिस इंडिया किसने जीता, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। मिस इंडिया किसने जीता वो कमेंट में लिख के बताइए, और मिस इंडिया इंग्लैंड 2019 का खिताब किसने जीता, भाषा मुखर्जी ने। और ये इस क्विज का आखिरी क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2019 की थीम क्या थी। ओके, तो इस क्वेश्चन की थीम क्या थी, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे 2019। तो आप बताइएगा भैया कि युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, और इसकी थीम थी बी पार्ट, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ओके, तो इस तरीके से हमने 31 क्वेश्चन करे हैं, 31 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ इन सभी प्रश्नों के हल किए होंगे, और अब आप चेक करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन का आपने गलत जवाब दिया। तो इसके साथ ही अपना जो स्कोर है, आप अपना स्कोर
प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए, ओके। और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, तो आप जहां भी अपने नोट्स बनाते हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। और इसी तरीके के जो ये टेस्ट हैं, जैसे ये दूसरा टेस्ट था, मैं टोटल 5 टेस्ट कंडक्ट करने वाला हूं, तो ये दूसरा टेस्ट था, आगे के भी क्वेश्चंस हैं तमाम सारे। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 150 क्वेश्चंस हैं इसमें, 150 क्वेश्चन है ये देखिए, और इसके लिए 2 घंटे का समय दिया गया है, अभी 1 घंटा 40 मिनट का समय बचा हुआ है। 32वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत अच्छे जो क्वेश्चन हैं इसमें, तो अगर आप इस ऐसी टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अभी 3 टेस्ट और कंडक्ट किए जाएंगे, ओके, 2 संडे को होंगे और 1 बीच में बुधवार को होगा, उसकी डेट अनाउंस कर दी जाएगी। तो आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, आप मेरे को अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, अपना टेलीग्राम नंबर, अपना यूपीपीएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये 5 चीजें हैं, अगर आप ना सुन पाए हो तो वीडियो को पीछे करके सुन लीजिए। ये 5 चीजें आप मुझे किस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, 9620778189, एक बार लीजिए, 9620778189, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे ये 5 डिटेल मैसेज कर दीजिए, आपको टेस्ट सीरीज में जोड़ दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए ये प्रयास मेरी तरफ से किया जा रहा है। चलिए फिर, आपको ये सारे क्वेश्चंस आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है इसके बाद वो है जितने भी 2019 में प्रमुख सम्मेलन हुए, समिट्स हुए, तो उनके बारे में ये वीडियो आएगा, और ये वीडियो बस थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो भी आप करा दिया जाएगा, उसका भी पूरा कंटेंट रेडी है, उसके बाद ही उसकी रिकॉर्डिंग कर दूंगा। तो बिकॉज एग्जाम बहुत पास आ गया है, तो डेफिनेटली मैं भी अपने जो वीडियोज हैं उनकी स्पीड थोड़ी बढ़ाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि डेली 1 या 2 वीडियो तो मैं डालूंगी, और थोड़े टॉपिक वाइज वीडियो मैं डाल रहा हूँ, जैसे अभी सूचकांक का डाला, अभी समिट का डाल रहा हूँ, इसके बाद जो पुरस्कारों पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, जितने भी अवार्ड दिए गए, फिर एक बुक्स पे बनाऊंगा, एक स्पोर्ट्स पे बनाऊंगा, इकोनॉमिक डिटेल पे बनाऊंगा, इस तरीके से कुछ 7-8 ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे एक पूरा का पूरा वीडियो बनता है, और हर एक टॉपिक से 1-1, 2-2 प्रश्न तो आते ही हैं, तो ऐसे अगर 10 टॉपिक कवर करेंगे तो हमें 15-20 प्रश्न तो वहां से मिल जाएंगे, बाकी जो जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी अपने वीडियोस के माध्यम से गेट सर्कल पर आप कर सकते हैं, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।